वेलकम टू द आशिमा शो। हालांकि भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। जंग तो अभी शुरू हुई है। ये वो जंग है जिसमें बड़े से बड़े और शक्तिशाली देश भी अभी तक इस जंग पे फतेह नहीं कर पाए। बाकी देशों में फैले कोरोना वायरस पे स्टडी के अनुसार अगर कोरोना वायरस 80% लोगों को हल्का बीमार यानी कि माइल्ड अटैक ही करता है तो फिर भी दुनिया भर में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ अहम जानकारी कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है और किस स्टेज पे मरीज की मौत हो जाती है। अगर आप इस तरह की ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के इन्फेक्टेड होने और उसके अंदर लक्षण शो होने में कितना समय लगता है। ये वक्त होता है जब वायरस शरीर में अपनी जगह बनाता है, वायरस शरीर के सेल्स में घुसकर उन पर काबू पा लेता है। कोरोना वायरस शरीर में आता है जब आप सांस के जरिए जाने अनजाने इस वायरस को इनहेल कर लेते हैं या फिर संक्रमित जगह या चीज छू लेते हैं। पहले ये हाथों द्वारा मुंह तक, फिर मुंह कान नाक और आंखों के जरिए शरीर में घुस जाता है। सबसे पहले फेफड़ों पर अटैक करता है और बस वहां कोरोना वायरस फैक्ट्री बनाकर नए वायरस पैदा करता है और धीरे धीरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और डैमेज करता चला जाता है। शरीर में इस वायरस के सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स को बॉडी में शो होने में 2 से 14 दिनों तक का टाइम लग सकता है। यूं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का वक्त लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 5 दिन का होता है। अब बताती हूँ कि शुरुआती स्टेज यानी कि माइल्ड स्टेज पर क्या होता है। शुरुआती स्टेज पर तो व्यक्ति बीमार नहीं होता है और कुछ लोगों में तो लक्षण कभी दिखते भी नहीं। 10 में से 8 लोगों में COVID-19 का संक्रमण माइल्ड होता है और लक्षण होते हैं तेज बुखार और सूखी खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश और सर दर्द भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण दिखें। हल्के सिम्टम्स को बेड रेस्ट से, लिक्विड पीने से और पैरासिटामोल से ठीक किया जाता है। यहाँ तक तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती। ये स्टेज 1 हफ्ते तक रहती है। ज्यादातर लोग इस स्टेज पर रिकवर हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस वायरस को हरा देता है। इस माइल्ड वायरस से ज्यादातर जवान लोग या फिर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वही रिकवर कर पाते हैं। अब बात करते हैं सिवियर स्टेज पर शरीर में क्या होता है। इसमें कुछ लोगों की सिचुएशन गंभीर हो जाती है। गंभीर वाली सिचुएशन उन लोगों की होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे ही दिमाग को पता चलता है कि वायरस शरीर पे अटैक कर रहा है तो वो इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए सिग्नल देता है। इस प्रोसेस के दौरान इन्फ्लेमेशन होती है और जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाती है तो शरीर को नुकसान होने लगता है। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है। इस स्टेज में कोरोना वायरस के पेशेंट्स का आंकड़ा 14% के करीब होता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है क्रिटिकल स्टेज में। अनुमान है कि सिर्फ 6% लोग ही अभी तक क्रिटिकली बीमार हुए हैं। इस स्टेज तक शरीर हार चुका होता है और मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तब होता है जब शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाता है और शरीर सेप्टिक शॉक में चला जाता है। शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हर संभव कोशिश करने के बाद भी लोगों की जान बचाना मुमकिन नहीं हो पाता। जो लोग पहले से ही बीमार होते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो लोग इस स्टेज में पहुंचते हैं। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपडेटेड रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज की है, जल्दी से कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।